हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2021 26 सितंबर को आयोजित होगी, जो पहले से ही डेट घोषित है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उस दिशा निर्देशों के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, रिट 26 सितंबर को आयोजित होगी और परीक्षार्थियों को प्रथम पारी के अंदर 9:30 के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा और द्वितीय पारी लेवल 1 के अभ्यर्थियों को 2 बजे बाद सेंटर केंद्र या केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अर्थात परीक्षा प्रारंभ से केवल 30 मिनट पूर्व ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्राप्त करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या क्या बोर्ड ने व्यवस्था की है, क्या क्या आपको महत्वपूर्ण निर्देशों की पालना करनी है, सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर पॉइंट की। प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है, काला या नीला बॉल पेन, मान्य पहचान पत्र कोई भी, इसकी आपको सब प्रमाणित फोटो प्रति लेके जाना है जो अतिरिक्त परीक्षा कक्ष में। इसके अलावा परीक्षा कक्ष के अंदर आपको किसी तरह की कोई सामग्री नहीं ले जानी। परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लाना निषेध है। परीक्षा कक्ष में घड़ी, सैन अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, अन्य आभूषण पहनकर भी नहीं जा सकेंगे आप, एवं पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षार्थी अपने पास मादक द्रव्य, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि भी नहीं रखेंगे। उपरोक्त में से कोई भी सामग्री परीक्षार्थी के पास पाई जाती है तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के तहत यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है और इसके तहत आपके खिलाफ या आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की तलाशी भी ली जा सकती है। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट की। परीक्षार्थी को केंद्राधीक्षक और शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना अनिवार्य करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करता है यदि तो परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर उसे परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पॉइंट की तरफ। परीक्षा के समय परीक्षार्थी डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ ही अपनी पहचान के संबंध में फोटो एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। उसकी फोटो प्रति होनी चाहिए सब प्रमाणित। उनमें से आप क्या क्या ले जा सकते हो, यदि आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर पहचान पत्र या कार्ड, शिक्षण संस्था का पहचान पत्र, फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्र या फोटोयुक्त बैंक की पासबुक, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र, इनमें से कोई भी आप फोटोयुक्त प्रमाण पत्र की फोटो प्रति सब प्रमाणित लेकर ही प्रवेश पत्र के साथ जावे। प्रश्न पत्र, पुस्तिका क्रमांक और ओएमआर शीट दोनों का मिलान जरूरी है। यदि किसी आपस में संबंध नहीं है तो आपको सीरीज कोड को उससे जो प्राप्त हुई है लिखते समय इसके सामने रिक्त स्थान के गोले को बॉल पेन से सावधानी के साथ, यानी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस प्रश्न पत्र और जो आपके सामने दी जाएगी ओएमआर शीट दोनों के अंदर कोड का मिलान, यानी एक जैसे कोड नहीं मिलेंगे आपको, अलग हो सकता है, अलग होगा। जो आपको बॉल पेन के द्वारा सामने ओएमआर शीट के ऊपर सीरीज दी होगी, WXYZ जो भी सीरीज होगी, तो उसको आपको जो प्रश्न पेपर होता है उसके सामने वाला गोल घेरा को आपको गहरा नीला बॉल या काला पेन से उसको गहरा करना है। परीक्षार्थी को एमआर शीट की जांच इसी अनुसार करवाई जाएगी। आगे बात करते हैं
उत्तर पत्रक पर दिए निर्देशों की सावधानी पूर्वक आपको पढ़ लेना है और उसे सही तरीके से मार्कशीट को भरना है, सही स्थान पर हस्ताक्षर भी करना है, वीक्षक के हस्ताक्षर के सभी कॉलम की जांच भी करवानी है आपको वीक्षक के पास में, और आपको इसके अलावा ओएमआर शीट पर कुछ भी नहीं लिखना है। अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपने कुछ भी यदि इसके ऊपर टाइप कर दिया या लिख दिया तो ये अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तर पत्रक में प्रश्न का उत्तर अंकित करने के लिए संबंधित प्रश्न के सही उत्तर के गोले को पूर्णतया आपको गहरा करना है और उसके अंदर काला या नीला बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है और सोच समझ कर उस गोले को गहरा करना है, क्योंकि फिर आप मिटाने के दौरान यदि आप मिटाने की कोशिश करते हैं तो ओएमआर शीट खराब हो सकती है। इससे आपको ओएमआर शीट किसी तरह की कोई दूसरी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है और नहीं करवाते हैं, इसलिए सही से सोच समझ कर गोले को काला या नीले बॉल पॉइंट पेन से करना है। किसी भी प्रश्न से संबंधित दो या अधिक गोलों को गहरा भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। यदि किसी प्रश्न के आपने दो गोल घेरे काले कर दिए हैं या अधिक कर दिए हैं तो वो प्रश्न गलत माना जाता है, इसका आपको 0 अंक मिलेगा। प्रश्न पत्र पुस्तिका के फ्लैप सील को घंटी बजने पर काटना है। प्रश्न पुस्तक के ऊपर जो स्लिप लगी होती है सील, उस सील को आपको घंटी बजने पर ही काटना है, उससे पहले नहीं। प्रश्न पत्र पुस्तिका को आप जब खोलते हो, खोलने के तुरंत बाद उनमें प्रश्नों की संख्या, उनकी क्रम संख्या, प्रश्नों का क्रम या किसी प्रकार की कोई कटी फटी त्रुटि हो तो वीक्षक को तुरंत सूचना दे, और या ओएमआर शीट में गड़बड़ हो तो उसको भी तुरंत बदल दे वीक्षक को। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय भी दिया जाता है, वीक्षक द्वारा कहा भी जाता है बार बार इसको ध्यान में रखना है, तो पहले सभी तरह की जांच कर लें, फिर बाद में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। फिर आप आधे घंटे बाद में कहोगे या घंटे बाद में आपके ये देखा किसी तरह की कोई कट रहा या फटी है तो फिर उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रश्नों से संबंधित कोई शिकायत है तो परीक्षा कक्ष में इसके बारे में आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। यदि इससे संबंधित कोई भी आपकी शिकायत है तो आप केंद्र अधीक्षक को परीक्षा समाप्ति के बाद एक लिखित प्रतिवेदन के द्वारा उनको सौंप सकते हो, जो बाद में आगे प्रतिवेदन भिजवाया जाएगा। परीक्षार्थी का कंप्यूटर से डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र यदि गुम हो जाता है तो केंद्र अधीक्षक को आवेदन पत्र करवाने की रसीद, शुल्क जमा करवाने की प्रति, पहचान पत्र और 50 रुपये शुल्क जमा करवा के आप डुप्लीकेट प्रवेश पत्र केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये चार्ज लगेगा। यदि आपका सनक प्रवेश पत्र गुम हो जाए, आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचो, आप परीक्षा व्यवस्थाओं का समय क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। परीक्षा केंद्र खुलने का समय रहेगा परीक्षार्थियों के लिए लेवल 2, कक्षा 6 से 8 के लिए लेवल 2 के लिए समय क्या रहेगा। परीक्षा केंद्र सुबह 8:45 बजे खुलेगा, 9:30 बजे आपको लंबी घंटी के तहत अंदर प्रवेश दिया जाएगा, 9:45 को आपको ओएमआर शीट और प्रश्न पुस्तिकाओं का वितरण किया जाएगा, उस समय भी एक घंटी बजेगी। फिर 10 बजे परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं को खोलने के लिए 2 घंटियाँ बजेगी, तब आपको 10 बजे प्रश्न पत्र खोलना है। अंत में जब आपकी 5 मिनट शेष रहेगी 12:25 पर आपके 57 घंटी बजाई जाएगी और 12:30 बजे आपका समय समाप्त हो जाएगा, आखिरी लंबी घंटी बजेगी, उसके बाद आपकी ओएमआर शीट ले ली जाएगी। इसी तरह लेवल 1 के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र 1:15 पर खुलेगा, 2 बजे परीक्षार्थियों को कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा और 2:15 पर ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र वितरण किए जाएंगे। परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पुस्तिकाओं को सील खोलने का समय रहेगा 2:30
ढाई बजे परीक्षा शुरू होगी करीबन, और 4:55 पर 5 मिनट से स्किल चेतावनी घंटी बजाई जाएगी तब, और 5 बजे इनकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी और MR शीट आपसे ले ली जाएगी। इस प्रकार आपकी परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र 2 प्रतियों में उपलब्ध करवाया गया है। नीचे आपका प्रवेश पत्र है वो 2 प्रति है, ऊपर आपका आपके लिए रहेगा, नीचे ऑफिस के लिए है कार्यालय प्रति है, जो फोटो पहचान पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति होगी उसके साथ संलग्न करके प्रेक्षक द्वारा आपसे ले ली जाएगी। इस प्रकार आपके द्वारा रेट की परीक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश माध्यम शिक्षा बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्राप्त मतलब जारी किए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।